खबर नर्वस से सांसद विवेक शेजवलकर ने हिंदू जागरण मंच के कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने नरवर चिकित्सालय पहुंचकर निरीक्षण किया, अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तत्पश्चात गुडद मंदिर नरवर के प्रांगण में हिंदू जागरण मंच के स्वयं सेवकों को कोरोना महामारी में सेवा परमो धर्मा के मूल मंत्र पर बढ़ चढ़कर कार्य करने वाले स्वयं सेवकों का माल्यार्पण और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा, इस कोरोना जैसी त्रासदी में जनसेवा का आपका भाव वंदनीय है। इस सेवा कार्य को निरंतर करते रहने के लिए ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। जिस प्रकार सैनिक बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हैं, वैसे हमने हमारे हिंदू जागरण मंच के कोरोना योद्धाओं ने भी सैनिकों को भांति कार्य किया। सेवा ही संगठन के भाव के तहत हमको इन समाज सेवकों को सम्मानित करते हुए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे करैरा के पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने हिंदू जागरण मंच के सेवा समर्पण सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, आपको मैं आपके सेवा और सम्मान की सराहना करती है। कार्यक्रम में सांसद शेजवलकर और विधायक जसवंत जाटव के द्वारा संतोष शर्मा जिला स्वालंबन आयाम प्रमुख, अवनीश भार्गव जिला महामंत्री, उदयवीर बस जिला उपाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, यशपाल सिंह रावत जिला मंत्री, नरोत्तम शर्मा अध्यक्ष थाना इकाई नरवर, अनुराग कौर महामंत्री थाना इकाई नरवर, विजय भदौरिया स्वयंसेवी जिला उपाध्यक्ष शासकीय अध्यापक संगठन, मयंक भार्गव युवा वाहिनी प्रमुख नरवर, स्वयंसेवक कुंज राठौर, महेश पांडे, अनिल भार्गव, राजू बाथम, नवदीप कुजेला, पूर्व मंडल अध्यक्ष नवल सिंह गुर्जर नरवर सतनवाड़ा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जसपाल सिंह बैस को शॉल उड़ाकर इस अवसर पर सम्मानित किया। समाज व्यवसाय हो रहा है, आप देखते हैं कि जो वैक्सीन बनी चाहे पोलियो की हो चाहे अन्य बीमारियों की हो, वर्षों के रिसर्च के बाद और वर्षों के इसके जो परिणाम देखने के बाद कुछ कहा जा सकता है। तो आज कल सवा डेढ़ साल के अंदर इसके बारे में कोई निर्णय हम कह सकते ऐसी स्थिति में नहीं है, इसलिए भी इसको अपने को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। रजिस्ट्रेशन के बाद भी रजिस्ट्रेशन होने तक भी लगातार हम लोग मास्क का आग्रह करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम करें, अपने हाथ और सारे शरीर को स्वच्छ रखने की बात हम करें और जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी भी भीड़ वाले कार्यक्रम से बचे हम लोग, क्योंकि इसके बाद भी अभी आज हम लोग सुन रहे हैं कि 20 लोगों की परमिशन मिलेगी उसका सामूहिक कार्यक्रम के लिए, तो कोई समारोह वगैरह का भी अगर आपको डिस्करेज करते हैं आप लोगों ने इस तरह से अपने अपना नुकसान हो सकता है, पार्टी हो सकती है, दिल्ली हो सकती है, तो सबसे पहले देश की चिंता हम लोग करते हैं, समाज की चिंता हम करते हैं। हम वास्तव में हमारे जो ट्रेनिंग कौन सा जरूरत नहीं होगा, हमारे ट्रेनिंग हमारे संस्कार ही ऐसे हैं और हम अपने संस्कारों के साथ आने वाले समय भी इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं नहीं करता, समाज भी करता है अपने, और आशा करता हूँ आप पूरी ताकत के साथ आगे भी इस तरह काम करते रहेंगे। पुनः एक बार आपको धन्यवाद, आपने अपने मुझे मौका दिया आपसे मिलने का, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो कई बार आने वाला संकट की समीक्षा के लिए जानकारी दिलाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे बीच में विराजमान है हमारे लोकप्रिय सांसद हैं। सांसद जी हमारे मंडल सतरबड़ा के अध्यक्ष आदरणीय गुर्जर जी, आदरणीय गुप्ता जी, संगीत जी, कैलाश जी, समस्त कार्यकर्तागण और खासकर यहाँ पर प्रमुख सभी पदाधिकारीगण, मैं आप सब लोगों का हृदय से स्वागत करता हूँ। माननीय सांसद जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ है और वो काम जो भारत सरकार चाहती है, जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती थी कि हम लोगों की सेवा करें। आज का दिवस 30 मई को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस सेवा दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी 1,00,000 ग्रामों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहन करना है। पीएससी से लेके करैरा सीएससी और अभी नरवर सीएससी का भी निरीक्षण करके आए हैं और सभी जगह कार्यकर्ताओं से भेंट हुई है। कार्यकर्ताओं के द्वारा जो जो समस्याएं आज के तत्कालिक तौर पर जो बताई गई हैं उन्होंने नोट किया है, उनका समाधान भी कुछ समस्याओं का। खबर भारतवर्ष के लिए नरवर शिवपुरी से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जनतंत्र का।